ई रिक्शा की बैटरी खरीदने पर पीड़ित ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए एसएसपी के यहां शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल रामकिशोर पुत्र रामप्रसाद सैनी निवासी बालाजी का मंदिर जयंतीपुर थाना मंझोला ने आरोप लगाया है कि चौधरी चरण सिंह चौक के पास से 23/7/2021 को 29,000 रुपए देकर 4 बैटरी अपने ई रिक्शा में डलवाई थी, जिसकी रामकिशोर को दुकानदार ने 9 महीने की गारंटी भी दी थी। उक्त बैटरी में से 2 बैटरी समय रहते खराब हो गई, जिसकी शिकायत रामकिशोर ने उपरोक्त दुकानदार से की तो दुकानदार ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रामकिशोर ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस से भी करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने भी कोई उचित कार्यवाही न करते हुए यह कहकर टाल दिया कि कंपनी के टोल फ्री नंबर पर बात करके अपनी समस्या का समाधान करो। लेकिन कंपनी के टोल फ्री नंबर नहीं मिल रहा। ई रिक्शा की बैटरी खराब होने के कारण रामकिशोर ई रिक्शा नहीं चला पा रहा, जिस कारण रामकिशोर के परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालात से परेशान रामकिशोर ने 11/11/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामकिशोर है। राम को क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या सर ये है कि दुकानदार से मैंने 29,000 के बैटरा अपने दोस्त के कहने से खरीदे थे, जो कि मैंने 29,000 रुपये पेमेंट कर दिया। चौधरी चरण सिंह चौक से जो दरोगा जी थे, उन्होंने एक बार मेरी बैटरी बदलवा दी। अब मैं जब कप्तान साहब ने कहा तो उन्होंने फ़ोन करा, वहाँ मैं गया, जब मुझसे ये बोले थाना चौधरी चरण सिंह चौक से, बोले मैंने एक बार बैटरी बदलवा दी, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मेरे गवाह गंगाराम हैं, जिनका मोबाइल नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, उनके सामने पेमेंट दे दिया और एक महीने के बाद मुझे बिल दिया गया, पैसे पहले दे दिया था। और मेरी दुकानदार मुझसे कहता कि बैटरा तुम्हारे सही हैं, मैं बैटरा नहीं बदलूँगा, कस्टमर केयर पे नंबर पे फ़ोन करो। और वो कस्टमर केयर के नंबर भी सर नहीं मिल रहे हैं, जिससे मेरे घर में बहुत समस्याएं आ गई हैं। भुखमरी का कगार है और मान लिया कर्जा पानी हम कुछ नहीं दे सकते हैं, कोई हमें हेल्प आज तक नहीं मिली है सर। कौन सा मामला है? थाना मंझोला का है,